तो आज मैंने बनाई है सोया चिली रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही एमी बनी है। अगर आप इस तरह एक बार ये रेसिपी बनाओगे तो आप तो इस रेसिपी के दीवाने ही बन जाओगे। तो फिर ये सोया चिली आज बना ही लेते हैं। तो ये सोया चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर पानी हीट कर लेते हैं, और जैसे ही पानी हीट होता है तो उस वक्त हम इसमें सोया डाल देते हैं, और इस गर्म पानी में ये सोया हम लगभग 5 मिनट के लिए रख देंगे, और 5 मिनट्स में ये सोया अंदर से बहुत ही नरम होगा। और 5 मिनट्स के बाद ये सोया हम एक बाउल में निकाल देते हैं, और एक कूल होने के बाद इसके अंदर जो भी पानी है इसे हम निकाल देते हैं। तो अभी हमने सभी सोया के अंदर का पानी निकाल दिया है और इसे हमने एक बाउल में रख दिया है। तो फिर हम इसमें 2 टीस्पून फ्रेश कर्ड लेते हैं, 2 टीस्पून मैदा लेंगे और 2 टीस्पून कॉर्न फ्लावर लेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट, और मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून साल्ट लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हुआ है तो अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अभी एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे हीट किया है, और जैसे ही ऑयल हीट होता है ये सभी सोया हम इस ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। और ये जो सोयाबीन है इसे लगभग 5 मिनट्स तक इसे थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये सोयाबीन अभी अच्छे से फ्राई हुए हैं, तो अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने ये सोयाबीन एक बाउल में निकाल कर रख दिए हैं। तो अभी हम सोया चिल्ली की ग्रेवी बना लेते हैं। तो अभी एक कढ़ाई में मैंने लगभग 5 टीस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद 2 ऑनियंस बड़े पार्ट में चॉप करके ऐड किए हैं। ऑनियंस को हमने ना रफली ना फाइनली चॉप किया है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। और जैसे ही प्याज का कच्चापन थोड़ा सा कम होता है तो उसी वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टोमेटो, और टोमेटो को भी हमने ना फाइनली ना रफली चॉप किया है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, और इसे लगभग 2 मिनट्स तक ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। बाद में इसमें मैंने डाला है स्प्रिंग ऑनियंस और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। फिर इसमें हम 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट लेते हैं। और अभी इसे हम लगभग 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे स्टर करते रहेंगे। तो टोमेटो प्याज अभी अच्छे से गल चुके हैं, तो अभी इसी वक्त हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। तो यहाँ पे हमने कैप्सिकम को कट किया है और इसे इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इन सभी मसाले के साथ कैप्सिकम को भी लगभग 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे स्टर करते रहेंगे। तो 3 मिनट्स के बाद एक कैप्सिकम, टोमेटो और ओनियंस अच्छे से गल चुके हैं, तो अभी इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप लगभग 2 टीस्पून, सोया सॉस लगभग 2 टीस्पून, और चिली सॉस लगभग 2 टीस्पून। तो अभी हम ये सॉस और ये सभी मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट्स तक स्टर करते रहेंगे। टू मिनट्स के बाद ये अच्छे से मिक्स हुए हैं और अच्छे से गल भी चुके हैं। तो अभी इसी वक्त हम डाल देंगे हमने फ्राई किए हुए सोयाबीन, और इसे लगभग लो मीडियम फ्लेम में लगभग 2 मिनट्स तक मिक्स करेंगे, अच्छे से स्टर करते रहेंगे। तो हमारे ये सोया चिल्ली रेसिपी बनके तैयार होगी। मैंने इसकी ग्रेवी में कोई भी वाटर यूज़ नहीं किया है, तो मेरी ये सोया चिल्ली थिक बनी है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली सी बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसे मैंने 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से स्टर किया है, तो ये सोया चिल्ली बनके तैयार है। ये सोया चिल्ली बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो आप इसे बार बार ज़रूर बनाओगे। अगर ये मैंने बनाई हुई सोया चिल्ली की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस भी कीजिए।